देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सिरसा के रानिया का दौरा करेंगे। बता दें कि यहां उनका बदलाव रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। स्थानीय आप नेता प्रदीप सचदेवा ने कहा कि पार्टी हरियाणा में जोरदार चुनाव अभियान चला रही है और 15 दिनों में 35 रैलियां करेगी। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी आज से 24 अगस्त तक किन्नौर जिले के प्रवास पर होंगे। इस दौरान वह विभिन्न विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे, जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आम लोगों के साथ जन समस्याओं को सुनेंगे। प्रदेश शासन द्वारा रक्षाबंधन थीम पर केंद्रित महिला सम्मेलनों की कड़ी में देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का सीएम हाउस में आयोजन होगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए उनसे राखी भी बंधवाएंगे। बिहार की राजग सरकार आज से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। बिहार के कला एवं संस्कृति और युवा मामलों के विभाग ने जिलाधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे जीविका दीदियों और बुनकरों के पंजीकृत संघों को उनकी विशेषताओं के अनुसार संबंधित जिलों में राष्ट्रीय ध्वज बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस आज से बिहार भर में आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्थ चेकअप शिविर आज लगाया जाएगा। ये शिविर होलकर साइंस कॉलेज में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। डीसीपी ट्रैफिक सलमान ताज पाटिल ने बताया कि 15 अगस्त को होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज और कल यानी 13 अगस्त को होगी। इसके चलते विधानसभा के आसपास 12 अगस्त को सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएंगी। वैशाली जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। हाजीपुर के तत्वाधान में ये जॉब कैंप और व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर आज जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र परिसर में आयोजित होगा। इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की 2 कंपनियां भाग लेंगी जो अभ्यर्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर चयन करेंगी। बहादुरगढ़ के विभिन्न स्थानों से चलकर बहादुरगढ़ के रास्ते दिल्ली जाने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने आज से 25 सितंबर तक रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों को अपने काम धंधों और पढ़ने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिसार में आज मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन सन 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी। आज के दिन सन 1833 में अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना हुई थी। आज के दिन सन 1960 में नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह इको ए प्रक्षेपित किया। आज के दिन सन 1972 में भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों का लंदन में समापन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।